मॉर्निंग बी एस टी सी सेकेंड ईयर की एस एस टी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 5 से पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का स्वरूप। भारतीय इतिहास के स्वरूप को पढ़ने से पहले हम इतिहास के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के इति प्लस ह तन प्लस अर्थ से हुई है। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है वास्तविक रूप से, आश का अर्थ निरंतर रहना। अतः इतिहास का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से, वास्तविक रूप से निरंतर घटने वाली अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, क्योंकि हेरोडोटस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास सर्वप्रथम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में लिखा। और इसने हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अब उसके बाद में हम इतिहास की परिभाषाएँ पढ़ेंगे। इतिहास परिभाषा, पहली परिभाषा इस प्रकार है, अतीत की घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। दूसरा, इतिहास भूतकाल की घटनाओं का विवरण है। फिर भारतीय इतिहास का स्वरूप पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास का स्वरूप दो भागों में बांटा गया है, पहला स्रोतों के आधार पर और दूसरा अध्ययन के आधार पर। हम अब स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास तीन भागों में बांटा है, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्री का विवरण। पुरातात्विक के अंदर है अभिलेख है, अभिलेख राजा अपनी प्रसिद्धि के लिए अभिलेखों का निर्माण करवाते थे। जैसे किसी राजा का राज्यारोहण होने पर भी वह अभिलेखों का निर्माण करवाता था, या उसकी कोई युद्ध के अंदर विजय होता तब भी वो करवाता था अभिलेखों का निर्माण। अभिलेख पांच प्रकार के हैं, गुहा लेख है, स्थलेख है, शिला लेख है, ताम्रपत्र लेख है, मित्री लेख है इत्यादि। उसके बाद में दूसरा है सिक्के। सिक्कों का प्रचलन के माध्यम से हमें उस राजवंश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी है वो मिलती है। उसके बाद में दूसरा साहित्यिक ग्रंथ, इसके अंदर है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ और वैदिक धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वेदों की जानकारी, आगम साहित्य है। इसी प्रकार मंत्र ग्रंथ के अंदर है स्मृति है, पुराण है, ऐतिहासिक ग्रंथ है इत्यादि है। जैसे स्मृति के अंदर मनु स्मृति, स्मृति पुराणों के अंदर पुराणों की संख्या 18 है, जैसे पुराण भागवत पुराण, तुलसी पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि है। इसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर जैसे कल्हान ने राज तरंग नहीं लिखा था, जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास है। इसी प्रकार विदेशी यात्रियों का विवरण, भारत में पहले कई प्रकार के अनेक विदेशी यात्री आए जो भारत के अंदर ही आकर बस गए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। और इधर फिर उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अपने देश के अंदर जाकर उनका अनुवाद किया। जैसे चीन से आया हेमान सियांग है, इत सिंह है, यूनान से यूनानी दार्शनिक फारसी आदि। अब है नेक्स्ट, अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वरूप पढ़ेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से भी भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है, पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। सबसे पहले हम प्राचीन काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राचीन काल का उदय पाषाण युग से होता है। पाषाण युग, उसे पत्थरों का युग कहते हैं। उस समय व्यक्ति पत्थरों के युग से पहले व्यक्ति है जो अविकसित था। उसके बाद में जैसे ही पाषाण युग आया था, व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ आने लगी। अब वो भोजन को पकाकर खाने लगा, वस्त्रों को पहनने लगा इत्यादि, पाषाण युग में इस प्रकार की घटना है। फिर सिंधु सभ्यता के बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य सभ्यताओं के बारे में भी हम वर्णन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था कैसी थी और इसके बारे में भी वर्णन करेंगे। फिर वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। फिर जनपद, उसके बाद जनपद है,
जनपद भारत में, प्राचीन भारत में जनपदों की संख्या 16 थी, और ये 16 जनपद से मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण होता था, जिसके अंदर अवंती है, काशी है, बनारसी है, वाराणसी है इत्यादि। फिर मौर्य काल, फिर सॉरी सॉरी फिर धार्मिक आंदोलन, प्राचीन काल में जितने भी धार्मिक आंदोलन हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, जिसके अंदर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है इत्यादि है। इसके बाद में मौर्य काल के अंदर किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश के हम विभिन्न राजवंशों राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अशोक है, बिंदुसार है, अशोक है इत्यादि। फिर मौर्य काल के बाद में मौर्य तल काल के अंदर विभिन्न प्रकार के राजवंश, जैसे वर्धन है, कुषाण है, इन सभी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर गुप्त काल, किस प्रकार गुप्त काल स्थापना श्री गुप्त ने की, इसके अंदर मुझे महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, इनके बारे में। फिर गुप्तोत्तर काल में भारत संस्कृति और कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, जिसके अंदर गुप्तकालीन कलाओं बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल से पूर्व की स्थिति है, जिसके अंदर राजपूत की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम दूसरा काल है वो क्या है, मध्यकाल। मध्यकाल की शुरुआत अरबों के भारत पर आक्रमण करने के साथ नहीं हो जाती है, मध्यकाल की शुरुआत के अंदर सल्तनत काल के अंदर हम पांच विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अरबी देशों से आए थे, जैसे सबसे पहले लोदी वंश, लोदी के बाद में गुलाम वंश, गुलाम के बाद में खिलजी वंश, खिलजी के बाद में इत्यादि तुगलक है आदि। फिर उसके बाद में विजयनगर की स्थापना किस प्रकार हुई, विजयनगर की स्थापना में हरिहर और बुक्का का योगदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बेहमनी साम्राज्य, और उसके बाद में मराठा शक्ति का उत्कर्ष दक्षिण भारत में कैसे हुआ, उसके बारे में। फिर धार्मिक आंदोलन, जिसके अंदर सूफी संत और शैव धर्म और वैष्णव धर्म के आंदोलनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर यूरोपियन जातियों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आधुनिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश किस प्रकार से अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और अपने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के अंदर अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय किसानों को दरिद्र बना दिया, किस प्रकार से उन्होंने धन निष्कासन किया, किस प्रकार से भारतीय के साथ में वे भेदभाव करते थे, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के अंदर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले इत्यादि के बारे में, और धार्मिक आंदोलन के अंदर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद में 1857 की क्रांति संग्राम, जो कि अंग्रेजों को भारत से निकालने का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, और यह एक जन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, इसके विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। फिर भारत विभाजन, किस प्रकार भारत विभाजन की मांग है वो उठी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और अलग से पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखेगी। फिर स्वतंत्रता का संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को तीन भागों में बांटा है, जनजातीय आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा है गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1950 के बाद की भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में, और किस प्रकार भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूर्व औपनिवेशिक भारत और औपनिवेशिक भारत के बारे में।